फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्ट्रेस बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे एक्ट्रेस बन सकते हैं। गर्ल्स को एक्ट्रेस बनने के लिए अपना रास्ता बहुत ही सेफली चुनना चाहिए। तो आप किन किन सेफ तरीकों से एक्ट्रेस बन सकते हैं, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, एक्ट्रेस बनने के लिए सबसे पहला तरीका है मॉडलिंग। आप मॉडलिंग कर सकते हैं। जैसे ही आप मॉडलिंग में कदम रखेंगे तो छोटे मोटे रोल्स आपको मिलने लगेंगे, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आपको देखेंगे और आपको अप्रोच करेंगे छोटे मोटे रोल्स के लिए। तो आप उन छोटे मोटे रोल्स को ही करके धीरे धीरे बड़े रोल्स को कर सकते हैं। बाद में आपको बड़े रोल्स भी मिलने लगेंगे, तो आप शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। तो एक्ट्रेस बनने के लिए मॉडलिंग भी एक रास्ता है। एक्ट्रेस बनने के लिए दूसरा तरीका ये है, आप रीजनल फिल्म्स में काम कर सकते हैं। आप अपने करियर की शुरुआत रीजनल फिल्म से कर सकते हैं, जैसे नागपुरी से, भोजपुरी से या फिर मराठी से। तो इस तरह की फिल्मों से आप अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। रीजनल फिल्म्स में आपको चांस थोड़ा जल्दी मिल जाता है बॉलीवुड फिल्म्स के मुकाबले। बॉलीवुड फिल्म्स में थोड़ा आपको ऑडिशंस देना पड़ेगा, बहुत ही मेहनत लगेगी आपको, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। पर रीजनल फिल्म्स में आप थोड़ा बहुत मेहनत करके उसमें रोल पा सकते हैं। तो आप अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत रीजनल फिल्म से भी कर सकते हैं और बाद में आपको हिंदी फिल्म में भी मौका मिल जाएगा। तीसरा तरीका है कि आप किसी भी एक्टिंग स्कूल या फिर थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगी ही, और जब प्रोड्यूसर्स आपको ड्रामा प्ले करते देखेंगे तो उनकी नज़र आप पर पड़ेगी, वो आपको नोटिस करेंगे, तो आपको छोटे मोटे रोल्स के लिए अप्रोच करेंगे। तो आप एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर किसी थिएटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने के लिए। एक्ट्रेस बनने के लिए चौथा तरीका ये है कि आप किसी शॉर्ट फिल्म में भी काम कर सकते हैं। हमारे कंट्री में बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स बनते हैं, तो उन शॉर्ट फिल्म्स में आप रोल्स करके अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। और इन शॉर्ट फिल्म्स को जब आप किसी बड़े जगह पर दिखाएंगे, किसी बड़े प्रोड्यूसर को दिखाएंगे, तो ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि वो आपको अपनी फिल्म में चांस देंगे एक्टिंग के लिए। तो इस तरीके से आप शॉर्ट फिल्म से भी शुरुआत कर सकते हैं। एक्ट्रेस बनने के लिए पाँचवा तरीका ये है कि आप एड फिल्म्स से भी अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप एड फिल्म्स में नज़र आने लगेंगे तो प्रोड्यूसर्स जो है वो आपके लुक को एड फिल्म्स में देखेंगे, और अगर आपका लुक उन्हें पसंद आया तो वो आपको रोल्स के लिए अप्रोच करेंगे। एड फिल्म्स में काम पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है, तो आप एड फिल्म्स में ट्राई कर सकते हैं और इससे अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। बाद में एड फिल्म्स के ज़रिए ही आप हिंदी फिल्म्स में भी एंट्री पा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस तो रहेगा दिखाने के लिए प्रोड्यूसर्स को कि आपने एड फिल्म्स किया है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको 5 तरीके बताए जिससे आप एक्ट्रेस बन सकते हैं। फ्रेंड्स, बॉलीवुड जो है वो गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है, स्पेशली एक्टिंग करियर में। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि बॉलीवुड में आपको किन किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, किन किन लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।